चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां इस वक्त की बड़ी खबर खंडवा से आ रही है। बता दें आज खोले जाएंगे ओंकारेश्वर बांध के गेट और इस सीजन में पहली बार ये गेट खोले जाएंगे। खंडवा, देवास, खरगोन, बड़वानी, धार जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। डाउन स्ट्रीम में भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ओंकारेश्वर बांध में कुल 23 गेट हैं। ऐसे में आज अब खंडवा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां ओंकारेश्वर बांध के अब गेट खोले जाएंगे। आज गेट ये खोले जाएंगे और इस सीजन में ये पहली बार गेट खोले जा रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि खंडवा, देवास, खरगोन, बड़वानी, धार जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के तहत साथ ही साथ डाउन स्ट्रीम में भी अलर्ट जारी किया गया है। और बताते चले कि ओंकारेश्वर बांध में कुल 23 गेट हैं, जिसमें से आज पहली बार इसके गेट खोले जाएंगे और जिसके चलते डाउन स्ट्रीम में अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ खंडवा, देवास, खरगोन, बड़वानी, धार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कई जिलों में गेट खोलने के चलते अलर्ट जारी किया गया है। आज पहली बार ये गेट खोले जाएंगे और ओंकारेश्वर बांध में आपको बता दें कि कुल 23 गेट है, जिसके बाद अब आज पहली बार गेट खुलेंगे। और यूपी के हाथरस में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने एमपी के 7 कांवड़ियों को कुचल दिया है। हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 कांवड़ियों को इलाज के लिए आगरा भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग ग्वालियर के वहांगीर खुर्द के रहने वाले थे। सभी लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे थे, तभी हाथरस के सादाबाद मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने सभी को टक्कर मार दी है। ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे अपना कांवड़ में जल लेकर के। आज रात को करीब 2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में, यहां पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है। अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कंफर्म्ड कैजुअल्टी हैं, 1 और की स्थिति क्रिटिकल है। और निवाड़ी में जामनी नदी की बाढ़ में टापू पर फंसे सभी ग्रामीणों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल बेलसा गांव के पास जामनी नदी में टापू पर 8 लोग फंसे थे। ये सभी ग्रामीण मछलियां पकड़ने के लिए गए थे और तभी जलस्तर बढ़ने से ये लोग टापू पर ही फंस गए। फिलहाल सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और गुना में रस्सी के सहारे नाले को पार करते लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की टीम गांव में पहुंची, जहां जाकर हमें पता लगा कि हालात बेहद खराब हैं। यहां बच्चे और बुजुर्गों को भी जान जोखिम में डालकर रस्सी से नाला पार करना पड़ता है। देखिए ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। तस्वीरें किसी स्टंट की नहीं है, ये तस्वीरें हैं मजबूरी की, जहां ये लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें गुना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बजरंगपुरा गांव की हैं। यहां लोग नाले को पार करने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं, या यूं कहें कि रस्सी के सहारे अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो न्यूज स्टेट की टीम मूसलाधार बारिश के बीच इस वीडियो की हकीकत जानने के लिए गांव पहुंच गई। जैसे ही हमारी टीम वहां पहुंची, तब तक अधिकारी भी मौके पर आ चुके थे और ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब हमने ग्रामीणों से मामले की सच्चाई जानी तो पता चला कि ये वीडियो यकीनन ग्रामीणों की हकीकत को बयां करता है। वीडियो वायरल हुआ, उनसे मिलते हैं कि उन्होंने क्या, उनकी परेशानी थी इसलिए उन्होंने वीडियो वायरल किया, ऐसा उनको आप कहना है जी। बताएं क्या परेशानी थी सर? आने जाने में वो तो दिक्कत आ रही ना, नदी नाले चढ़ते हैं और बीमार हो जाए, जब भी बच्चों को स्कूल ले जाए जब भी या बाजार जाए तो भी रस्सी पे और निकलना पड़ता है। नीचे नाला है और गहरा नाला है। और कितने सालों से परेशानी है? वो तो बहुत दिन से परेशानी आ रही है हमें, कम से कम नहीं तो हम बड़े हुए हैं, हम भी स्कूल गए जब से परेशान है। हालात इतने बेरुख हो गए हैं कि अब तो स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसी रस्सी के सहारे नाले को पार करते हैं। अपनी जान से खिलवाड़ करना बच्चों के लिए मजबूरी बन गई है। दरअसल ग्रामीण बारिश के दिनों में गांव के दोनों ओर पेड़ों से 2 रस्सियों को बांध देते हैं। बच्चे एक रस्सी पर चलते हैं जबकि दूसरी रस्सी को हाथ से पकड़ लेते हैं।
ऐसे में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो जान भी जा सकती है। गांव के लोगों ने कई बार इस मामले की शिकायत तो कर दी है, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। अभी तक ये स्थिति है, देखिए आप कि लोग नाले को रस्सी के सहारे पार करते हुए निकल रहे हैं और बारी बारी से अपना इंतजार कर रहे हैं। क्या ना करें, 2017 से अभी तक शिकायत करते करते यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत पहुंची है, लेकिन इनका समाधान नहीं है। जान जोखिम में डालते कहना है हमारा, लेकिन फिर भी कहते क्या करें, बच्चों को पढ़ाना, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रास्ते को जरूर पार करना पड़ता। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं बजरंगपुरा के निवासी, जो क्या कहना चाहेंगे, ऐसी परिस्थिति क्यों है? सर, ऐसी परिस्थिति या तो सरकार कोई भी नहीं सुनती है। यहाँ पे मैंने 2017 से यहाँ से मैंने केस किया था, जो सत्येंद्र सिंह गुर्जर थे तहसीलदार साहब, जब रास्ते के लिए लगाया था तब भी वहाँ से उन्होंने आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन तहसीलदार जो मैडम है फिलहाल में वो बोलती है यहाँ से रास्ता निकलने के लिए नहीं है, नीचे से आप जाइए। ये तस्वीरें हमारे कैमरे में हमारी आँखों के सामने कैद हुई है, जहाँ जोखिम भी दिख रहा है और रस्सी पार करते लोगों के मन में जान गंवाने का डर भी नजर आ रहा है। लोगों का तो यही कहना है कि अगर पुल पार ना करें तो जाएं कैसे, स्कूल कैसे जाएं, दवाएं लेने कैसे जाएं? किसी के रस्सी के सहारे तो डर नहीं लगता आपको? लगता है, क्या करें, गिर जाते हैं। तो कुछ घटना घट जाए तो आप कैसा नहीं सोचती कोई और रास्ता? कोई नहीं बनाता। अच्छा, तो अभी आप फिर दोबारा से इसके रस्सी के सहारे जाएंगी? पैर में स्लिप हो गया, कुछ हो गया, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी? दिक्कत आएगी तो जाएगी। लोगों का दर्द सुनने के बाद जब हमारी टीम अधिकारियों के पास हकीकत सुनने गई तो उनका कहना था कि इस गांव में 11 परिवार रहते हैं। कुछ लोगों को पीएम आवास मिला है, लेकिन फिर भी वो यही रहते हैं। जी, इस वाले मेरा कहना है कि जो बोझा हमला का बजरंगपुरा मजरा है, वहाँ पर 11 परिवार निवास करते हैं, जो कि आबादी भूमि में निवास न करके अपने खेतों पर निवास कर रहे हैं। और इन 11 लोगों में से जो 4 लोग हैं, हरी सिंह, रामचरण, अजब सिंह और विजय सिंह, इनके मुख्य जो गोचा हमले में मुख्य मार्ग है वहाँ पर पीएम आवास बने हुए हैं, लेकिन ये अपने पीएम आवास में ना रह करके अपने खेतों पर रह रहे हैं। इसके अलावा ये जो पुलिया वाला रास्ता है, इसके अतिरिक्त दो वैकल्पिक मार्ग भी हैं वहाँ तक जाने के, एक जो टोडरा गाँव है वहाँ से होकर के और एक झूमर गाँव से होकर के, लेकिन ये लोग फिर भी उस रास्ते का रस्सी डाल करके उपयोग कर रहे हैं। अधिकारी तो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी मासूम की जान शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी तो दफ्तर में बैठकर कह देंगे कि हादसा था, हमें दुख है, आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो न वो लोग वापस आएंगे और न आपकी लापरवाही पर पर्दा डाला जाएगा। गुना से राजेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।